अनुगुष्ट न्यू टाइप का। तो पहले हमें एक पतीला लेना है, आपने उसे चूल्हे पर रखना है, आपने ना उसे मीडियम पे रखना है, ना स्लो ना तेज, सिर्फ मीडियम पे रखना है, ना पानी हो, खाली सिर्फ गर्म हो। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डालनी है नमक वन टी स्पून, बोलो नमक हसबे जायका, हसबे जायका नमक वन टी स्पून, सिरका वन टी स्पून, सोया सॉस वन टी स्पून, और फिर आपने जाना है लाल मिर्च पिसी हुई और पानी के साथ मिक्स हुई वो 1 टीस्पून, सोया सॉस दही का 1/2 टीस्पून मिक्स। फिर बाद में दही आपने पूरा डाल देना है। वही मिक्स किया हुआ जितना आप डालना चाहते हैं, सोया सॉस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें आपने डाल के मिक्स करना है। फिर आपने आलू जो बीटर जैसे बना हुआ होता है वो तो आपको पता ही होगा, वो आपने इसके अंदर डाल के मिक्स करना है थोड़ी देर, जब तक कि वो पक ना जाए। उसका कलर वैसा ही रहेगा, परेशान मत हुई, उसका कलर वैसा ही रहेगा। फिर आपने डाल देने हैं ब्यूटी बिस्किट, ये नमकीन होते हैं, मीठे नहीं होते, आप समझ रहे होंगे ये मीठे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं कुछ नमकीन होते हैं, साल में डालने वाले नमकीन होते हैं, ऐसे आप मिक्स कीजिए। ये मैं ब्यूटी कह रही हूँ, ये ब्यूटी मैं ये ब्यूटी आपको कह रही हूँ मिक्स। फिर आपने वापस उन्हें, पहले आपने उन्हें ठंडा होने देना है, फिर आपने पतीले को उसके अंदर सारा उसके अंदर डाल देना, जो बर्फ़ वाला बन जाए ना आप उसके अंदर हाथ भी लगा के फेंक सके। तो आपने फिर ना आलू निकालने हैं और ये ब्यूटी बॉक्स की सारी रखनी है, सिर्फ आलू ही ऐसे निकालना है कि सब कुछ ऐसे। फिर आपने ये डालना है, फिर आपने बाबा पास पतीले के अंदर डालना है मिक्स गरम, जो भी आपने बनने के लिए फ्राई भी कीजिए। जो बोटियाँ हैं वो फिर से आप इसके अंदर डालिए और फ्राई कीजिए, फिर चिकन फ्राई बन जाएगा। आपने सीधा रखने के लिए ये डाल देना है, पहले आपने इसे ठंडा होने देना है। इसी तरीके से ठीक है, दही भी तो उसके अंदर मिक्स हो गया। ओके, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।